इमेजिन व्हाट्सएप के अंदर 5000 का चेक कैसे आता है। दोस्तों मेरा शक जो था वो यकीन में बदल चुका है। वो जो फ्रॉड था ना, जी हाँ वो जो फ्रॉड था, जो जिसने मुझे कॉल किया था, जो मेरे आईडी से मेरे बैंक अकाउंट से जो पैसा मतलब लेने वाला था, वो अभी क्या कर रहा है, सिर्फ फोटोग्राफर्स को ही नहीं, तरह तरह के जो जो जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड के इंसान को पकड़ रहा है और उनसे उनका बैंक आईडी से जो पैसा है वो लूट रहा है। अब आप सोचोगे कि किसके साथ वैसा हुआ। देखिए पिछले 3-4 वीडियो के अंदर मैं ये बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ कि ये जो बंदा है ये वेल ट्रेन है और ये सोच समझ के मतलब सोचा समझा ये साजिश है। जी हाँ, सोचा समझा साजिश हो चुका है। एक और हमारे कोलकाता के अंदर, जी हाँ, जो मेकअप आर्टिस्ट जो है इंडस्ट्री के अंदर काम जो करते हैं मिस्टर उज्जवल दत्त, जी हाँ, उनके साथ वैसा ही वाकया हो चुका है। तो आज सुन लेते हैं उनके साथ क्या हुआ। सोशल मीडिया के थ्रू सोनिया ने, जी हाँ सोनिया, जिनकी जो वीडियो जो है वो आप लोगों ने कुछ देर पहले मतलब कल वाले वीडियो के अंदर देखा था। और ये वीडियो इसलिए कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि कंटिन्यू वो जो बंदा है वो कर रहा है। और हम लोगों का सिस्टम जो है इतना नाकामयाब सिस्टम है, इतना नाकारा सिस्टम है कि इसमें इसके अंदर आप लोगों का रिपोर्ट लिखाने भी जाओ तो वो बोलेंगे आपके साथ वो हुआ। अगर वो आपके साथ हो गया तो ठीक है, आपको हम लोग साइबर सेल में भेज देते हैं। साइबर सेल में आपके साथ क्या होगा पता नहीं। अगर नहीं हुआ, अगर आपके पास एविडेंस है, फोन नंबर है, मेल आईडी है, तब भी काम नहीं करेगा। अगर अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो मुझे ये लगता है आप और मुझे काम करना होगा, इस चीज के खिलाफ हम लोगों को खड़े होना होगा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ मिस्टर उज्जवल दत्ता के साथ, आइए सुनते हैं, जानते हैं, सोचते हैं टेक्निक क्या था। तो जिनके साथ हुआ, एक मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ा सा निकल रहा हूँ, निकलते निकलते ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं जिस इंसान को, इस इंसान का नाम है उज्जवल दत्त। ये इंसान जो है ये इंडस्ट्री के अंदर मेकअप आर्टिस्ट है। उनके साथ इस आर्टिकल में क्या हुआ तो वो थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा सा अपने आप में जो दिमाग है ना वो लगाते हैं, सोचते हैं कि क्या एग्जैक्टली वही बंदा था और नाम था क्या था। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो इसको टैप करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं मैं और आप दोनों मिलकर। आर्टिकल कुछ ऐसा है, टाका तछरूप जालियाती चक्रे फाद मेकअप आर्टिस्ट उज्जवल दत्त। ओके, এবার ফ্রডের পাল্লায় মেকআপ আর্টিস্ট উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতার ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি তিনি এক প্রখ্যাত নাম। রাইমা সেন, মমতা সরকার, স্বস্তিকা সহ বিভিন্ন মেকআপ, বিভিন্ন যারা আর্টিস্ট তাদের সাথে তিনি কাজ করেছেন। ব্রাইডাল মেকআপে জনপ্রিয় নাম। আচ্ছা মেন জায়গায় আসে, লুটপটুদের সঙ্গে কথা বলে উজ্জ্বল জানান ব্রাইডাল মেকআপের জন্য একদিন আমায় একজন ফোন করে, ট্রু কলার অ্যাপ্লিকেশন থেকে তার নামে নাম উঠেছিল বাবুল কুমার। जस्ट एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कुमार जो है ना, बाबुल कुमार, राजीव कुमार, सैयद कुमार, ये जो कुमार है ना कुछ ऐसा ही नाम मेरे पास आया। पिछले वाले वीडियो के अंदर जाइए, आप लोगों को पता चलेगा ट्रू कॉलर में क्या नाम था। ओके, ये देखिए, देख सकते हैं उनका, ये उनका ट्रू कॉलर का जो है वो यहाँ पे है। এবং তিনি আমায় এটাও জানান যে তিনি ভারতীয় সেনায় কর্মরত, মতলব হামারে যে সৈনিক হ্যাঁ উনমে ও ইনসান হ্যাঁ। ক্যা নাম হ্যায় উনকা অ্যাকর্ডিং টু ট্রু কলার? বাবুল কুমার। ওকে, ক্যা হোতা হ্যায় সুনতে হ্যায়। আমি ফেসবুক থেকে তার নাম সার্চ করি, প্রোফাইল পেলে ছবি জানিয়ে জিজ্ঞাসা করি এটা কি তার সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট কিনা, যদি তিনি সদুত্তর পাইনি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি আমার ফোন নাম্বার কোথা থেকে পেয়েছেন, গুগল পেজ নাকি অন্য কোনো রেফারেন্স। উনি আমায় বলেছিলেন উনি রেফারেন্স থেকে নাম্বার পেয়েছেন। ওনার কথার মধ্যে প্রথম থেকেই কোনো স্পষ্টতা ছিল না, কাজেই আমার বেশ একটু সন্দেহ ছিল। হিন্দি ভাষী ভদ্রলোক আমাকে জানান যে বাঙালি বিয়ের অনুষ্ঠান, লড়কি কি শাদি হ্যায়, আমায় কোণের দুটো ছবি দেন। ওকে, আমি পরবর্তী সময় বুঝে যাই যে আদের ছবিগুলো আলাদা দুজন মানুষের ছবি। দ্যাট মিন্স ইয়ে টোটাল পড়নে কে বাদ মুঝে ইতনা পতা চল রহা হ্যায় কি ও ইনসান জো হ্যায় মেকআপ আর্টিস্ট, শায়দ ও ফ্রড কে চক্কর মে চুঙ্গল মে নেহি আয়ে থে। পুরা পড়তে হ্যায় সোচতে হ্যায় সমঝতে হ্যায়। উনি আমাকে প্রথম থেকেই অ্যাডভান্স পেমেন্টের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। দোস্ত একদম সহি বাত হ্যায়, মুঝে ভি জব কল আয়া থা ও বন্দা মুঝে পহলে সেই বোল রহা থা আপকো অ্যাডভান্স কিতনা চাহিয়ে, আপকো অ্যাডভান্স কিতনা, আপনা পেমেন্ট কিতনা হ্যায়, আপকো অ্যাডভান্স কিতনা চাহিয়ে, সেম টু সেম ট্র্যাকিং, ঠিক হ্যায়। ওকে, আমি ওনাকে ব্যাঙ্ক ডিটেলস দেব জানাই এবং উনি বল এবং বলি উনি যেন আমাকে ব্যাঙ্ক ডিটেলস ফলো করেই অ্যাডভান্স পাঠান। কিন্তু তখন উনি আমাকে জানান যে যেহেতু ভারতীয় সেনায় কর্মরত উনি আমাকে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করতে পারবে না। ইয়ে কাহা কা সওয়াল হো গয়া কি জো লোক হামারে ইন্ডিয়ান আর্মি কে অন্দর আতে হ্যায় ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস ফলো করকে নেই কর পাতে, মতলব ইন্ডিয়া মে হো, ইন্ডিয়া কা ব্যাঙ্ক ইউজ কর রহে হো, লেকিন আপ ইন্ডিয়া সে হি নেই, মতলব ব্যাঙ্ক সে হি নেই সেন্ড কর পাওগে। ইয়ে এক বড়ি জো সোচ হ্যায় না, ইয়ে ফ্রড লোগো কি সোচ হ্যায়, আপ লোগো কো ইয়াহা সে পকড়না হ্যায়, উন লোগো কো আপকো বতা রহা হু আপকো পকড়না হ্যায়। ওকে, উসকে বাদ কিয়া হুয়া, আমার ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করতে পারবেন না, গুগল পে, ফোন পে কিংবা পেটিএম ডিটেলস ওনাকে দিই। তো মেরে সে ভি ওয়েসা হি বোলা গয়া থা, মেনে ভি উনকো দিয়া, এসে হি মেনে দে রিয়া, ঠিক হ্যায় আপকো মেরে পাস বেঠে বেঠে মেরে পাস আগে কাম আয়া তো মে কিউ না দু, মেরা তো কুছ জাদা হি রহা হ্যায়। তো উনহোনে শায়দ ওহি কিয়া, দেখতে হ্যায় উনহোনে
सच में असल में कुछ किया या नहीं किया देखते हैं। আমি এই ধরনের মানি ট্রানজেকশন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলাম না, তাই আমার একটু সময় লাগলো। উনি এরই মধ্যে আমায় ফোন করেন, হোয়াটসঅ্যাপে ক্রমাগত যোগাযোগ করে বলছেন আমি ওনাকে ডিটেইলস পারে। উনি আমায় ফোন করে হঠাৎ করেই বলেন ওনার অ্যাকাউন্টেন্ট যিনি সালমান তার সাথে কথা বলতে। এই হিন্দি ভাষী ভদ্রলোক অতিরিক্ত ভদ্রভাবে জানায় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে 5,000 টাকা একটা চেক পাঠাবে। Can you imagine WhatsApp के अंदर 5,000 का चेक कैसे आता है? Google Pay से 50 करोड़ भी आ जा सकता है, लेकिन 5,000 का चेक कैसे आ सकता है? चेक समझ लीजिए, ये जब भी आपको बोलेंगे कि नहीं आपको हम चेक भेजेंगे, समझ लेना ये लोग फ्रॉड है। ओके, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आगे जाते हैं। अभी देखे नहीं किंतु उनके पठान एक QR कोड। ओके, QR कोड समझ में आया आप लोगों को? अभी QR कोड, चलिए आगे जाते हैं। बार बार उन्हें जोर कर जाते QR कोड स्कैन करी हमें। अगर वो इंसान उस टाइम पे QR कोड स्कैन करता लाइक मैंने किया नहीं, मैं उस टाइम पे मेरा भी दिमाग खनका तो उन्हें किया नहीं। चलिए आगे जाते हैं। हमारा सन्देह से जाते ही सेम टू सेम मुझे भी ऐसा ही हुआ था। एक शुभकांक्षी के फोन कर सतर्क करें स्कैन कोड स्कैन ना करी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने किसी को कॉल किया था, मैंने किसी को कॉल नहीं किया था। मैं ऊपर से आया, ऐसे पूछा ऐसे देखो ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसे मुझे कर रहा है वो बंदा, क्या ये करना सही है? तो वो मेरे को बोला, ऐसे मेरे को बोली कि नहीं ये बात सही नहीं है, आपके गूगल अकाउंट में तो ये है और आपको अगर सेंड करना है मतलब आपके पास अगर 1 रुपए भी आया तो आपके पास तो आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग ट्रांजेक्शन गूगल अकाउंट के थ्रू ईजी होता है बैंकिंग का, और मेरा वो करंट भी है जो भी है। ओके, उसके बाद हुआ हमारा सन्देह। ओके, कारण टाका পাঠানোর জন্য QR कोड स्कैन করতে হয় না, টাকা সংগ্রহের জন্য হয় না। जैसे कि ये उज्जवल घोष जो है उनको ज़्यादा पता नहीं है कि डिजिटल के थ्रू भी कैसे, जैसे उन्होंने अपने इस ब्रीफ के अंदर बताया कि उनको ये पता नहीं था। उन्होंने उस इंसान के लिए पैसा आने के लिए उन्होंने सेंड किया था, ताकि उन्होंने ये बोला था कि इंडियन आर्मी में वो इंसान है मतलब वो फ्रॉड है तो वो भेज नहीं पाएगा, गूगल अकाउंट चाहिए गूगल पे का, तो उनके लिए वो गूगल पे किया, उन्होंने किसी से पूछा। लेकिन मैं आपसे ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, या जो भी डिजिटल जो माध्यम है जो यूज़ करते हैं, आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई कॉल आए तो आप लोग कतई ऐसा मत कीजिए, कोई भी QR कोड को स्कैन मत कीजिए। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ डिटेल्स उन्होंने दिया है, शायद आप लोगों को अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट करके जी आपके आपके मतलब आपके फोन के ऊपर यहाँ पे आएगा जी। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप। अभी जब उन्होंने फोन करे बेश रेगे ही जाना है QR कोड हमें स्कैन करब ना, तक उन्होंने मुखे पर फोन कटे दे QR कोड डिलीट करा है। मेरे साथ भी सेम। পরে আবার উনি আমাকে ফোন করেছে, যদি আমি বুঝতে দেইনি যে ওদের জালিয়াতি আমি বুঝে ফেলেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে চলেছে এরকম টাকা চুরি করার চক্র, এমনই এক চক্রের ফাঁদে পড়তে পড়তে রক্ষা পেল মেগা পার্টিস উজ্জ্বল দত্ত, আপনি সচেতন থাকুন। সো আলটিমেটলি দ্য থিং ইজ, ইয়ে যে বন্দা হ্যায় উজ্জ্বল দত্ত, যে বন্দা হ্যায় মতলব যে ইনসান হ্যায় যে মেগা পার্টিস্ট হ্যায়, উনকে সাথ ইয়ে ফ্রড করনে কি কোশিশ তো উস বন্দে নে কি থি, লেকিন ও কর নেই পায়া। লেকিন বাত ইয়ে নেই হ্যায়, দেখি দোস্তো ইয়ে লোক জো হ্যায় ये लोग वेल ट्रेन है। जिस टाइम पे मेरे पास कॉल आया था, जब मैंने पकड़ लिया था, यहाँ पे भी सेम टू सेम उनको उनके पास ये मतलब काम के लिए कॉल आया, बंगाली वेडिंग का काम के लिए। एक लड़की का 2 ID फोटो भेज दिया, भेजने के बाद बोला कि आपको काम करना है और आपको हम लोग पैसा भेजेंगे। अब देखिए ये उज्जवल देव ना जैसे कि इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है क्या सही है क्या गलत है, या फिर किसी और के थ्रू ये थोड़ा सा सहायता जो है वो ले सकते हैं। लेकिन सवाल उन लोगों का है जो अपने घर में, शायद मान लीजिए पिता माता को, लड़का जो है वो बाहर नौकरी करता है, घर में पिता माता को क्या करता है, यहाँ पे माता पिता है उन लोगों को गूगल पे से ट्रांसफर कर रहा है जिनके अकाउंट में पैसा है। अगर इनके पास ये मेकअप आर्टिस्ट है तो बहुत मतलब रिसर्च करने के बाद एक लड़की का फोटो उनको भेजा, अगर वो मतलब थोड़ा सा वो चुतिया होते तो उनका पूरा कट जाता। अब ये इंसान तो बच गए, लेकिन बाकी जो इंसान है आपके मम्मी पापा या फिर आपके रिश्तेदार, कोई भी इंसान जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, जिनको इतना कोई सिखाता नहीं है, किसी के पास जाके सहायता मांग भी नहीं सकते, अगर इनके पास इनके साथ ऐसा हो और इनका पैसा जी हाँ आपके इस टाइम पे लॉकडाउन ड्यूरेशन तो लॉकडाउन या किसी भी टाइम पे आपका पैसा अगर कोई और लेके जाए, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप जाओगे, आप जाके पुलिस में जाओगे, जैसे मैं गया था थाने में, गया था थाने में, मुझे ये उल्टा समझा दिया कि आपके साथ ये हुआ नहीं तो कुछ और कुछ होगा भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हुआ तो नहीं आपके साथ,
अगर आपके साथ, मान लीजिए अगर ये चीज आपके साथ होता तो क्या घटता? पुलिस बोलता कि अच्छा आपके साथ हुआ, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, ये क्राइम डिपार्टमेंट जाइए। क्राइम डिपार्टमेंट जाके ऐसा अगर देखिए, ये जो उज्जवल जो घोष है ये थोड़ा बहुत रिनाउन है, इसलिए इनका जो आर्टिकल ये छपा है, सोनिया ने मुझे भेजा है, मैं इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ अगर ये चीज, ये बड़े इंसान नहीं हो, थोड़ा सा थोड़ा बहुत भी इनका नाम या जो भी है नहीं होता, तो इनका जो ये जो आर्टिकल जो है ये क्या आता मेरे पास या आपके पास? तो मुझे इतना ही बोलना है आप लोगों को, ऐसा वाकया, ऐसा सिलसिला सबके साथ शायद हो रहा है कोलकाता के अंदर। कितना रेडियस के अंदर है यहाँ से साउथ? मैं हूँ नॉर्थ में, साउथ यहाँ से 20 किलोमीटर। मेरे लास्ट में जो मतलब इसके पहले जो वीडियो आया था वो मेरे से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्टेंस में था वो इंसान। देखिए ये जो है ना, ये सिम कार्ड सब ट्रू कॉलर यूज करते हैं, इनको पता है कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज गॉट अप, सब कुछ इन लोगों के दिमाग में है, और ये टोटल जो है 8 घाट जो है ये बांध के ही काम पे निकले हैं। इस टाइम पे मुझे ये लगता है कि आप लोगों को और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। कुछ भी कॉल ऐसा आया, कुछ भी आपके पास कोई ऐसा कोई डिटेल्स आया या कुछ भी आया, आप लोग मत कीजिए। और एक चीज़ जो मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी के साथ भी ऐसा हुआ, अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो इस ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट में बताइए, और आपके साथ ऐसा अगर हो चुका है तो भी बताइए, और अगर फॉलोअप की ज़रूरत हो तो ज़रूर मैं और मेरी टीम जो है वो करेंगे और आपसे जानेंगे और ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से दूसरों को बताएंगे। क्योंकि अगर प्रशासन जो है वो अपना काम नहीं करेगी, अगर बाकी इंसान जो है वो अपना नाम काम जो है नहीं करेगा, वैसे तो मैंने सेंड कर दिया है क्राइम डिपार्टमेंट को जो भी मेरे पास तथ्य था, जैसे यहाँ पे उन्होंने ये आर्टिकल को उन्होंने प्रचार किया, मैंने भी कर दिया। क्या होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन हम लोगों को सतर्क एवं सजग जो है वो रहना होगा हमारे लिए, ठीक है। सो इतना ही मुझे बोलना था। अगर आप लोगों को मेरे लिए नहीं, लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो वीडियो आगे लेके जाइए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हो सकते हैं आने वाले टाइम पे उन लोगों को फ्रॉड किया जा सकता है, आपके मम्मी पापा या बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, छोटे बच्चे से मतलब उम्र से लेके बूढ़े तक। सो जो भी है इतना ही मुझे बताना था। मुलाकात होगी ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आप लोगों के साथ आने वाले वीडियो के अंदर, जहाँ तक भी ये फ्रॉड जो है दूसरों को ठगेंगे, एज एन इंडियन सिटीजन जो मेरा अधिकार है और जितना मुझे करना है मैं उससे ज़्यादा ही करूँगा। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को जो है आगे तक लेके जाओ। वंदे मातरम, मुलाकात होगी एक ऐसे वीडियोस के अंदर। और हाँ, ये बात मैं उस चोरों के लिए बताना चाहता हूँ, तुम लोग ना पकड़े ज़रूर जाओगे, और जिस दिन जाओगे ना इतने कूटे जाओगे सोच भी नहीं सकते। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जय हिंद।